हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले टेन हैग वर्सेस सैंचो के बीच में क्या हो रहा है उसके बारे में, और एंथनी को ब्राजील टीम से क्यों निकाला गया। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो के लिए लाइक का टारगेट है 20, प्लीज कर देना, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर देना। तो अगर हम लोग पहले बात करें तो आर्सेनल ने मैन यूनाइटेड को 3-1 से हराया। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में टेन हैग से एक रिपोर्टर ने पूछा कि उसने सैंचो को टीम शीट में क्यों नहीं रखा था, सब्स्टिट्यूट में क्यों नहीं रखा था। तो टेन हैग ने आंसर किया कि सैंचो अपना 100% नहीं दे रहा है ट्रेनिंग में, और जैसा मैन यूनाइटेड का लेवल है उस लेवल का वो ट्रेनिंग कर नहीं पा रहा है, तो इसलिए उसको टीम में नहीं रखा गया। और फिर उसके बाद, फिर जब ये इंटरव्यू रिलीज हुआ उसके बाद 2-3 घंटे बाद ही सैंचो ने अपना एक स्टेटमेंट रिलीज किया अपने ट्विटर अकाउंट पे कि जो भी चीज़ पब्लिक बोल रही है अबाउट सैंचो वो सही नहीं है। सैंचो के हिसाब से वो अपना 100% दे रहा है और बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि गलत हो रही है उसके साथ, लेकिन वो पब्लिक में नहीं बता सकता। और अगर मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा आपको स्टेटमेंट का, जो जो उन्होंने जो टेन हैग ने बोला और जो सैंचो ने बोला, आप लोग खुद पढ़ लेना इंग्लिश में अच्छे से, ठीक है। अपने हिसाब से अपना जो भी आप लोग सोचते हैं, जो भी समझते हैं, वो अपना थॉट्स खुद से बनाना, ठीक है। डिस्क्लेमर दे देता हूँ भाई, मैं मैन यूनाइटेड फ़ैन हूँ नहीं, ठीक है, मैं न्यूट्रल की तरह बात करूँगा। तो देखो, ये मैन यूनाइटेड का एक हिस्ट्री में रहा है, मैनेजर्स और प्लेयर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट रहते हैं। हम लोग ने जब फर्गुसन था तब भी हम लोग ने देखा था कि कैसे उसके बीच में और फिर बेकम के बीच में थोड़ी लड़ाई हुई, फिर बेकम को भेज दिया, फिर मोरिनियो और पोगबा के बीच में हुआ, और फिर अभी रोनाल्डो और टेन हैग का वापस से हुआ था, और फिर अभी सैंचो और टेन हैग का हो रहा है। तो मैन यूनाइटेड भाई वन ऑफ द बेस्ट क्लब है, अगर हम लोग बात करें उसके फैंस भाई हर कंट्री में है। तो उस लेवल का जब क्लब के अंदर आपका एक प्लेयर है सैंचो टाइप का, जो कि फैंस बहुत दिन से चाहते थे कि उनके क्लब में आए, एक साल तो ट्रांसफ़र भी नहीं हुआ तो भी फैंस चाहते थे कि आए, उसके बाद जब आपके क्लब में आते हैं और परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, मैनेजर की गलती कहाँ पे है वो हम लोग डिस्कस कर ले। तो देखो, रिपोर्टर ने उससे एक क्वेश्चन पूछा कि सैंचो टीम शीट में क्यों नहीं था, उस पे आंसर करने के लिए टेन हैग ने जो भी बोला, देखो सही गलत पता नहीं, वो उन लोग का जो भी मामला है हम लोग क्या अज्यूम कर सकते हैं। देखो, यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, या तो वो 100% परफॉर्म नहीं कर रहा होगा, या तो भाई टेन हैग जानबूझ के उसको नहीं कर रहा होगा, ठीक है। अगर वो 100% नहीं कर रहा होगा तो जो सच है टेन हैग ने वो चीज़ पब्लिक में आके बोल दी, लेकिन क्या उसको बोलनी चाहिए थी आप क्वेश्चन कर सकते हो। लेकिन टेन हैग वैसा प्लेयर रहा है, आयाक्स में था तो भी ऐसा करता था, और मैन यूनाइटेड में भी आया तो भी उसका रहा है, कुछ कुछ प्लेयर्स को कॉल आउट किया है उसने, मैगवायर को कॉल आउट किया है, डेलो को किया है, डेहिया को किया है, तो कुछ कुछ प्लेयर्स को थोड़ा वो बोल देता है खुल के कि ये ऐसा है वैसे, तो अगर वो चीज़ है तो ठीक है। और दूसरा चीज़ है कि अगर वो नहीं कर रहे हैं परफॉर्म, सैंचो अगर 100% दे रहा है लेकिन टेन हैग को पसंद नहीं है, तो क्योंकि रूमर्स आ रहे थे भाई, क्योंकि मैन यूनाइटेड सैंचो को बेचने का सोच रही है, वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, लास्ट सीजन हम लोग ने देखा वैसे कुछ ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया नहीं, उसको चांसेस भी कम मिले थे एज कम्पेयर टू एंथनी, जो कि बहुत सारे फैंस उनके बोल रहे कि एंथनी को थोड़ा ज़्यादा फेवर कर रहा है टेन हैग, क्योंकि एंथनी भाई टेन हैग का साइनिंग है, टेन हैग आने के बाद एंथनी को वो लेके आए, तो वो थोड़ा फेवरेटिज्म है टेन हैग का एंथनी के लिए। वहीं पे सैंचो टेन हैग का साइनिंग नहीं था, टेन हैग के आने से पहले ही सैंचो साइन हुआ था, तो ये हो सकता है। और देखो, अगर न्यूट्रल होके बात करूँ तो एक जो होता है कि आप बोल सकते हैं कि इंजरी है या वो 100% फिट नहीं था, एक ऐसा ऑप्शन भी था जो आप ले सकते थे, लेकिन वो टेन हैग का कैरेक्टर है ही नहीं, वो जो भी मन में होता है डायरेक्ट बोल देता है। और शायद ये भी रीज़न हो सकता है कि टेन हैग सोच रहा होगा कि मैं अगर ऐसा बोलूँगा तो सैंचो इस चीज़ को थोड़ा सीरियस लेके और ज़्यादा ट्रेनिंग में अच्छा करेगा और टीम में आएगा। तो ये हुआ भाई टेन हैग का पार्ट जो भी था। इसको कुछ लोग बोल सकते थोड़ा अनप्रोफेशनल हो गया कि प्लेयर के अगेंस्ट दिग ले लिया पब्लिक मीडिया में। आप देखो, ये सबको पता है कि अगर मीडिया में जाके आप कुछ भी स्टेटमेंट दोगे तो वो उसका नेक्स्ट लेवल कॉन्सिक्वेंसेज होगा, ठीक है।
तो वही चीज है, फैन भाई जो फैंस है वो डिवाइड हो चुके हैं, लाइक दो कैंप बन गए फैंस के, एक है भाई टेनहैग सही किया, एक है सैंचो की तरफ वो एक है, और भाई पियर्स मॉर्गन हम लोग का अलग ही बोलता है सैंचो को कि मेरे पास आके इंटरव्यू दे दो। लास्ट टाइम जब कोई भी मैन यूनाइटेड प्लेयर पियर्स मॉर्गन के पास इंटरव्यू देने गया था तो उसके बाद क्या हुआ सबको पता है, ठीक है, उसका एक ही अच्छा आउटकम निकला था वो भी सऊदी के लिए कि भाई वहां पे प्लेयर्स आने लगे थे, ठीक है उसको हटाते हैं। तो टेनहैग का जो भी था, जो भी उसके पॉइंट्स थे उसको बैक करने के वो हो गए। अब हम लोग आते हैं सैंचो की तरफ, अगर सिर्फ सैंचो के स्टेटमेंट को देखा जाए तो भाई वो बहुत ही ज्यादा अनप्रोफेशनल है। आप डायरेक्ट मैनेजर को नहीं बोल सकते कि ये ऐसे स्टेटमेंट क्यों दे रहा है, क्योंकि भाई वो मैनेजर है, वो कोई भी हायरकी में आपके ऊपर है, तो इट्स उससे एक क्वेश्चन पूछेगा उसका वो आंसर क्या, आप उसको कॉल आउट नहीं कर सकते, ठीक है आपने नाम नहीं लिया, लेकिन जिस हिसाब से आपने जो स्टेटमेंट लिखा है उसमें साफ मालूम चल रहा है कि आप मैनेजर को बोल रहे हो कि वो गलत गलत बोल रहे हैं, आप अपना 100% दे रहे हो, और जो भी चीज़ है ठीक है आप अपना 100% दे रहे हो। यहाँ आपके पास एक चीज़ ये भी था कि आप चुप रह के वो ट्रेनिंग में जाके अपना 100% दे के वापस टीम में आते, या आप रुक जाते 2-3 दिन रुक जाते इंटरनेशनल ब्रेक के बाद, आप कोई अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज करते। लेकिन जैसे ही उसने टेनहैग ने स्टेटमेंट है उसके 2-3 घंटे बाद ही आपने अपना एक स्टेटमेंट रिलीज कर दिया, और ये लाइक एक तो टेनहैग ने आग लगाई, ठीक है ये एग्जाम्पल ऐसा हो गया कि घर में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है और आप उधर जाके पानी फेंक रहे हो, भाई वो नहीं बुझाएगी आग, उल्टा और डेंजरस हो गया वो घर में जो भी आदमी फंसे होंगे उसके लिए। अगर आपने 8th क्लास में NCERT साइंस की पढ़ी होती तो आपको मालूम होता उसमें पढ़ाया गया है, लेकिन ऑफ कोर्स इंग्लैंड में नहीं पढ़ाया जाता है NCERT, ठीक है जोक था जोक की तरह लेना, ठीक है। तो देखो एक तो ये अनप्रोफेशनल हो गया सैंचो की तरफ से, अगर सैंचो की तरफ से देखा जाए तो ये एक ये चीज हो सकता है कि उसने अपना पार्ट पुट कर दिया, क्योंकि टेनहैग ने एक अपना पार्ट रख दिया कि भाई सैंचो क्यों टीम में नहीं है, और फिर सैंचो को लगा होगा कि हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो अपना पार्ट भी पुट करे मीडिया के सामने कि सबको एक न्यूट्रल व्यू मिल सके, तो उसने एक तरीके से अपना पॉइंट रख दिया। लेकिन अब इस पॉइंट में फ्लॉ है कि भाई जो ट्रेनिंग की बात है वो मैन सिटी में भी एक प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से मैन सिटी ने उसको बेच दिया था, फिर BVB में भी 2 बार ये इंसिडेंट हो चुका है कि सैंचो को लगता है कि टीम उसको स्केप गोट बना रही है, और ट्रेनिंग में उतना कभी 1-2 बार लेट हो गया था वो इंसिडेंट था, और इंग्लैंड नेशनल टीम में भी साउथगेट ने ये चीज़ बोली है, उसको ट्रेनिंग की वजह से 1 बार टीम से बाहर भी निकाला गया था। तो ये एक उसकी हैबिट रही है जो कि भाई पब्लिक को पता है आजकल कि क्या चीज़ है, आप ये नहीं कर सकते कि जो आपके लाइक प्लेयर्स फैन है वो चीज़ शायद ये लोग इग्नोर कर देंगे कि आपका ट्रेनिंग जो है वो एक कंसर्निंग इशू रहा है प्रीवियस क्लब्स में भी, लेकिन जो न्यूट्रल है और जो मतलब थोड़े अच्छे से फॉलो करते हैं फुटबॉल उन लोग को पता है कि आप ये एक इशू है ये एक चीज़ है, उसके बाद आप ऐसे रिलीज करते हो। लेकिन लास्ट में लाइक उसने अपना कमेंट में कवर अप करने के लिए ट्राई किया कि मैं बैच के लिए खेलूंगा ये वो जो भी है, ठीक है। और एक और रीज़न जिसकी वजह से ये स्टेटमेंट सैंचो ने रिलीज किया हो सकता है वो होगा भाई उसके मार्केटिंग वैल्यू के चलते हैं, क्योंकि आजकल जो PR टीम रहती है प्लेयर्स की, लाइक PR टीम ने देखा होगा कि टेनहैग ने ऐसा रिलीज कर दिया जिसकी वजह से सैंचो की मार्केट वैल्यू गिर सकती है, क्योंकि अगर कोई मैनेजर बोल सकता है कि ये प्लेयर ट्रेनिंग अच्छे से नहीं कर रहा है तो जो उसके स्पॉन्सर्स हैं प्लेयर्स के जितने भी उस प्लेयर्स ने स्पॉन्सरशिप डील साइन किए उसको ऑफकोर्स अफेक्ट कर सकती है, कि जब आपको मैनेजर ही ऐसा बोल रहे कि आप ट्रेनिंग अच्छे से नहीं करते हो टीम में नहीं रहोगे, तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप फ्यूचर में भी टीम में नहीं रहोगे, जिसकी वजह से जो भी आपके शू डील है और किट डील है और जो भी है भाई फुटबॉल से अलग जो भी स्पॉन्सर्स है उन लोग को अफेक्ट हो सकता है, आपकी मार्केट वैल्यू गिर सकती है। तो एक उसको लाइक कवर अप करने के लिए ये हो सकता है कि PR टीम ने बोला हो तो उसने एक स्टेटमेंट रिलीज कर दिया है, क्योंकि भाई वो भी भाई 22-23 साल का लड़का ही है, ठीक है इट्स लाइक आपका टीचर ने आपको कुछ बोल दिया कॉलेज में, जैसे आप टीचर ने कुछ बोल दिया तो कुछ बच्चे होते सुन के रह लेते, कुछ होते कि नहीं जवाब देते हैं उल्टा, तो ये भी हो सकता है कि वो एज अ जवाब दे रहा हो,
जो भी है, लेकिन अनप्रोफेशनल था ये चीज़, ठीक है। और इसमें आप किसी एक को नहीं बोल सकते कि सिर्फ 100% इसकी गलती है। अगर 10 हैक चाहता तो क्वेश्चन को डॉज कर सकता था, कवर अप करने का ट्राई कर सकता था, लेकिन 10 हैक वैसा किया नहीं, उसने जो था खुल के बोल दिया। इधर सेंचो ने भाई फिर अब खुद को भी तो प्रोटेक्ट करना है, और उसने रिलीज कर दी स्टेटमेंट। जो भी है, इसमें अगर किसी के साथ बुरा हो रहा है तो मैन यूनाइटेड और मैन यूनाइटेड फैंस के साथ हो रहा है, ठीक है। क्योंकि भाई फैंस देखो, फैंस का पूरा फोकस वो आर्सेनल वर्सेस मैन यूनाइटेड मैच से हट के अब आपका 10 हैग वर्सेस सेंचो पे आ गया है। अगर ये मैच के बाद ये सब चीज नहीं होती तो फैंस क्या डिस्कस कर रहे होते, हम लोग ये मैच क्यों हारे, हम लोग के बैकलाइन में मैगवायर और जॉनी इवेंस है, आपके मेन प्लेयर वरैन और लिजांड्रो मार्टिनेस इंजर्ड हो गए हैं, ये इस चीज पे बात कर रहे होते। आपने सीबी साइन नहीं किया, इस पे बात कर रहे थे। वहीं पे अब क्या फैन बेस बात कर रहा है एक दूसरे से, किस चीज पे लड़ रहा है भाई, 10 हैक सही है, नहीं नहीं सेंचो सही है। तो एक चीज अभी देखो, अगर मैं अपना कॉन्स्पिरसी वाला दिमाग लगाऊं तो ये चीज हो सकती है कि मैन यूनाइटेड ने एज अ कॉन्स्पिरसी इस चीज को किया हो, शायद 10 हैक या मैन यूनाइटेड ने या 10 हैक ने खुद ने इसको ऐसे नेक्स्ट लेवल 4D चेस की तरह समझ के किया हो। उसको मालूम था कि अगर वो सिर्फ मैच के बारे में बात करता तो उस पर क्वेश्चन बहुत सारे उठते, उसके प्लेइंग स्टाइल पे उठते, उसके साइनिंग्स पे उठते, तो उसने वो सारा फोकस हटा के सेंचो पे फोकस पुट कर दिया। और फिर सेंचो ने उस अपना स्टेटमेंट रिलीज करके और वो इस चीज को बड़ा बना दिया कि सबका हट ही गया दिमाग, लाइक किसी को बात ही नहीं करनी है आर्सेनल और मैन यूनाइटेड के मैच में, मैन यूनाइटेड ने क्या क्या गलती की, सबको क्या बात करना, भाई सेंचो ने क्या बोला, यू 10 हैग ने ऐसा क्यों बोला, इसने क्यों किया, उसने क्यों, ठीक है। तो ये भी हो सकते हैं, जो भी है भाई, एज ए न्यूट्रल मजा आता है देख के, ठीक है। ये सब चीज अगर कोई दूसरे क्लब में हो तो आपको देख के मजा आता है, लेकिन अपने क्लब में हो तो भाई लग जाती है, ठीक है। उधर से हटते फिर एंथनी पे आते हैं। तो भाई एंथनी के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का केस किया है उसकी एक्स पार्टनर ने। तो जैसा उसकी एक्स पार्टनर ने बोला है कि मई 2022 से लेके जून 2023 तक एंथनी ने उसको लाइक फिजिकली अब्यूज किया है, ऐसा उसने बोला। देखो, ना तो मैं ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस हूँ, ना साओ पोलो का पुलिस हूँ, ठीक है, मेरे को कुछ नहीं मालूम। जो चीज़ न्यूज़ में आ रहा है, ट्विटर में आ रहा है, वही चीज़ मैंने पढ़ी है। और मैं इसमें देखो, ये सब चीज़ इतनी सेंसिटिव होती है कि आप स्टार्टिंग में ही कोई एक पोजीशन चूज नहीं कर सकते कि ये एंथनी सही है या गलत है, ठीक है। तो आप लोग को जो भी चीज़ आ रहा है, अगर आप लोग यूनाइटेड फैंस हो तो बस पढ़ो और भूल जाओ। जब तक कोर्ट कोई वर्डिक्ट नहीं देता है या कोई ऐसा चीज़ नहीं आ जाता कि मतलब उससे साफ साफ पता ही चल जाए कि हाँ भाई वो गलत ही था, ठीक है। तो अभी कोई भी डिसीजन मत लेना, ना तो एंथनी को डिफेंड करना, ना तो उसको जाके कुछ बोलना, ठीक है। एज ए न्यूट्रल होके अभी सब चीज़ सुनो, जो भी फैसला होगा वो पता चलेगा आपको जब और आगे केस बढ़ेगा ज़्यादा, जब ऑफिशियल स्टेटमेंट आने लगेंगे आपके पुलिस से, ठीक है। तो तब तक लिए जस्ट एज ए न्यूट्रल सुनते रहना। तो उसने केस किया है और जून में शायद ये केस किया था, एक इंटरव्यू में भी बोला था, उसके बाद जून में ये इसने केस किया था। और फिर अभी सितंबर में आके एंथनी ने एक जून में भी स्टेटमेंट रिलीज कर दिया था कि लाइक उसने ऐसा नहीं किया है और जो भी है, ठीक है। उसके स्टेटमेंट उसने उस टाइम रिलीज कर दिया था, उसके बाद कुछ ज़्यादा हुआ नहीं था, मेरे को लगा भाई उसके बाद सब शांत हो गया है, लेकिन फिर अभी आके ये इस चीज़ इतनी बड़ी बन गई। क्योंकि अभी वापस से इन्वेस्टिगेशन उस पर, इस बार शायद ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस ने उस पर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दिया, और उसकी वजह से ब्राज़ील ने उसको अपनी टीम से निकाल दिया। और जब उसको टीम से निकाला गया उसके बाद ही उसने स्टेटमेंट रिलीज की कि जो भी चीज़, जो भी उसके ऊपर एक्यूजिशन लगे वो फॉल्स है। एंथनी के हिसाब से ये सब फॉल्स है, ठीक है, मैं एंथनी की तरफ से सिर्फ बता रहा हूँ आपको बात, ठीक है, कि एंथनी ने स्टेटमेंट में ये चीज़ बोली कि ये सारी चीज़ फॉल्स है और उसने ये सब चीज़ नहीं किया है, और जो भी उसकी एक्स पार्टनर है वो गलत एक्यूजिशन उस पर लगा दिया, ठीक है। तो इस पर जो भी होगा हम लोग लाइक फ्यूचर में देखेंगे कि क्या होता है इस केस में,
क्या आता है। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने अभी तक कोई भी स्टैंड इस पे नहीं लिया, ना खुद की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की है। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड की तरफ से वो खेल सकता है, लेकिन ब्राजील ने जो है उसको अभी टीम से निकाल दिया। तो इंटरनेशनल ब्रेक में आपको एंथनी खेलते हुए नहीं दिखेंगे। और अगर इस चीज़ का ओवरऑल मैनचेस्टर यूनाइटेड पे क्या इम्पैक्ट होगा दोनों, लाइक एंथनी का और सेंचो वर्सेस टेनहैग का, तो भाई अगर कुछ भी आगे अपडेट होता है तो मोस्ट प्रोबेबली 1-2 हफ्ते में एंथनी को अगर टीम से निकाला गया तो उसके बाद आपके राइट विंग पे कौन खेलेगा, सैंचो या पेलिस्ट्रीनी? ठीक है, सैंचो आपका मेन मैन हो सकता है क्योंकि 75 मिलियन में आपने उसको खरीदा था, लेकिन जब आप टेनहैग ने ऐसा स्टेटमेंट रिलीज कर दिया तो ऐसा तो है नहीं, अगर वो 100% नहीं दे रहा है ट्रेनिंग में तो 1-2 हफ्ते में 100% देने लगेगा। तो डिफेंस, मैन यूनाइटेड का डिफेंस हो गया इंजर्ड, ठीक है, और आपका अगर फ्रंट लाइन में ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, एंथनी जा रहा है और इनस्टेबिलिटी आ गई है, तो भाई टेन हैग के लिए बहुत ही ज़्यादा ये चीज़ प्रॉब्लम कर सकती है। तो अब देखना है क्या होता है मैन यूनाइटेड के साथ, और प्रीमियर लीग के अदर टीम्स जो भी दूसरी टीम है उनके लिए अच्छा है एक तरीके से, क्योंकि देखो आपका अगर मैन यूनाइटेड एक क्लब जो टॉप 4 में आराम से आता, स्टार्ट सीजन के स्टार्टिंग में सब कोई बोल रहे थे कि टॉप 4 में आराम से आएगा, तो अगर वैसा क्लब अगर इतने टर्मोइल में चला जाता है तो ऑफ कोर्स आपके पास एक चांस है कि आप उसको ओवरटेक कर सकते हो। तो देखना है क्या होता है। और टेन हैग के लिए भाई बहुत ही ज़्यादा सीरियस सिचुएशन हो चुकी है, क्योंकि अभी देखो इस सीजन अगर जो लास्ट सीजन अचीव किया था सेम चीज़ अचीव नहीं कर पाता है, यूसीएल प्लेस नहीं निकाल पाता है और एक कप कंफर्म नहीं कर पाता है, तो मे भी उसके ऊपर भी लाइक उसको भी निकाल सकती है ग्लेजर्स। देखना है इस पे क्या होता है। तो तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। और भाई मैं वापस से बोलूँगा, कोई भी साइड पिक मत करना एंथनी के उसमें, और टेनहैग और सैंचो में भी अगर मैन यूनाइटेड फैंस भी हो तो भी भाई देखो मैन यूनाइटेड को सपोर्ट करना, ठीक है, ऐसा नहीं कि आप पिक प्लेयर को बड़ा रखते हो मैनेजर को छोटा रखते हो, ऐसा मत करना, दोनों को इक्वल रखो, अपना पॉइंट खुद से समझो कि आपको क्या लगता है, पास्ट में देखो क्या चीज़ टेनहैग ने की है, सैंचो पिछले क्लब्स में क्या कर चुका है, ठीक है, तो एक वाइज डिसीजन लेना, ठीक है, तब तक ले, बाय बाय।